अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खिजर हयात और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो हम इस पे बात करेंगे कि जो सर्दियों में जो बीमारियाँ आती हैं मुर्गियों को, तो इनकी कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं और इन बीमारियों की क्या अलामत हैं, इसके अलावा इनका इलाज क्या है। तो वो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से सवाल करता हूँ, तो हम इनसे पूछते हैं। वो आपने बीमारी का मुझे कहा है कि वो सर्दियों में मुर्गियों को मतलब ठंड वगैरह का, और जो इसमें मसला आता है वो एंडी का, तो ये होता है कि हमारे, पहले भी मैंने बताया कि हमारे अक्सर जो होता है ना कि फार्मर या घरों में जो मुर्गियां रखी होती हैं वो पर्दे थोड़े वीक होते हैं उनके, तो जानवर को सर्दी महसूस होती है। तो रानी खेत की जो बीमारी है ये शदीद मौसम में आती है, शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में ज़्यादा चांस इसके जो होते हैं। जी जी। तो शदीद सर्दी में या सर्दी के मौसम में आती है, तो इसका ये है कि कम से कम पर्दे छर्दे इसके ठीक रखें, इसको इम्यूनिटी बूस्टर ताकत की दवाइयाँ देते रहें, ठीक है जी, और उससे जानवर की, और वैक्सीन, खासकर इसको वैक्सीन, खा घर में रखी हुई हैं, खा आपने किसी फार्म में रखी हुई हैं या किसी डेरे पर हैं, किसी के पास थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है, जितनी भी है इसकी वैक्सीन जरूर करवाएं। फार्मों में है तो किल्ड वैक्सीन मिलती है, वो किल्ड वैक्सीन करवाएं इसकी, और महीने के महीने जो है ना इसको एनडी की वैक्सीन करवाएं। तो इसमें ये है कि देहातों में चूंकि लोगों को पता नहीं, वो एनडी की रानी खेत की लोग उनको गोलियां भेज देते हैं या वो दूसरी छोटी मोटी कतरे ले आते हैं, वो कतरों से या गोलियों से ताकत तो उनको आ सकती है, लेकिन जो वैक्सीन है जो वायरल है वो तो वैक्सीन में ही होगी ना, तो वो जो वैक्सीन है वो अब तो सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलती है, नॉर्वल में भी मिलती है, हर शहर में मिलती है, गुजरांवाला में मिलती है, गखड़ में मिलती है, जहाँ भी लाहौर चले जाएं वहाँ मिलती है, तो सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन आती है। नहीं आती तो जितनी भी गाड़ियाँ देहातों में लाइफ स्टॉक की आती हैं उनको बताएं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें वैक्सीन दें, वो आपका वो नोट कर लेंगे और नेक्स्ट वो आपको ला के देंगे। तो रानी खेत की वो वैक्सीन की हर महीने मुर्गियों को वो पानी पिलाएं, पानी नहीं पिलाते तो डिस्टिल्ड वाटर लेके उसमें डिल्यूट करके ठंडे पानी में, तो उसकी आई में कतरा कर दें हर महीने बाद, बहुत आसान सा हल है। तो ड्रग उससे उसकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, रानी खेत की जो इम्यूनिटी है उसमें जो बीमारी आती है देहातों में, जो देहातों के देहात वो जो है वो मुर्गियाँ जो है मर जाती हैं, उसकी अलामतें, हाँ उसकी अलामतें तो आपने पूछा नहीं, वो मैं बता देता हूँ कि अलामतें क्या होती हैं उसकी। उसकी अलामत ये होती है कि मुर्गी को जब रानी खेत का अटैक होता है तो रानी खेत जानवर जो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है, उसकी बीट हरी हो जाती है या पतला पानी करती है और सारा अपना नीचे को फेंक देती है, बैठ जाती है या बिल्कुल सुस्त हो जाती है, नाक से पानी भी आता है, मुंह से रुतूबत आ सकती है, साथ अगर आईवी का मसला हो तो छींके भी वो मारेगी या का की आवाज़ करेगी, मुंह से आवाज़ निकालेगी जैसे गले में कोई चीज़ अटकी हुई है, तो ये सारी उसकी अलामतें होती हैं। उससे यह है कि यकदम वायरस जब उस पर अटैक करता है तो जान उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और ये बहुत पोल्ट्री में ख़तरनाक बीमारी है, ये लापरवाही से ज़्यादा आती है, और इसका अगर एहतियातन, इसका जो मैं जैसे वैक्सीन का आपको बताया है, अगर इसकी एहतियातन वैक्सीन होती रहे तो इसके आने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आ भी जाए तो फिर भी अगर आपने घर में 20, 25, 50 बर्ड रखे हुए हैं तो उसमें वो सारे को नुकसान नहीं देगी, अगर वैक्सीन नहीं की हुई तो फिर सारे का सारा शेड तबाह कर देती है, तो अगर वैक्सीन की हुई है तो फिर उसमें जो कह लेंगे 3%, 5%, 2% जितना भी उसका, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से काफ़ी हद तक बचत आ जाती है। तो उसकी अलामतें यही हैं, जानवर हरी बीठें करता है, पतला पानी करता है, कमज़ोर हो जाता है, नाक से पानी आना, मुंह से आवाज़ आना, बिल्कुल नडाल जानवर हो जाता है, चल फिर से बिल्कुल बैठ जाता है, तो ये एनडी एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अगर इसकी ये जो मैंने वैक्सीन आपको बताई है अब तो फ्री मिलती है, मसला ही कोई नहीं, तो वो पलाएँ तो इससे काफ़ी हद तक, बहुत हद तक ये हो ना, अगर आप जाते हैं गाँव में या जैसे आपने ये अपना बनाया चैलेंज के ऊपर, लोगों को बताएं कि खासकर ये वैक्सीन पिलाएं आप, अगर घरों में मुर्गियां रखनी हैं तो वैक्सीन इसकी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन इसकी प्रॉपर एक गांव में प्रॉपर लोग कर रहे हैं, गाड़ी आती है वो दे के जाती है तो वो करें सबको, तो वो बीमारी के चांस कम हो जाएंगे, हर जानवर में ताकत आ जाएगी, जरासीम वो ख़त्म हो जाएगा जो उसका वायरल है, तो काफ़ी हद तक वो बेहतर होगा और सेफ रहेगा। तो ये अगर आपके पास नहीं है, आपसे कहीं दूर हैं, या वो लोग जो ये फार्मिंग करते हैं डेरों पे या गाँव में या कहाँ कहीं भी, तो लाइफ स्टॉक की गाड़ियाँ देहातों में आती हैं, अब लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के अस्पतालों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कि ये वैक्सीन जो है वो करवाएं, तो उनको कहें वो वैक्सीन आपको देंगे इंशाल्लाह। हाँ,
ना भी एक चीज़ की सहूलत है फ्री मिलती है तो उनको बोलें और वो मिलेगी और इंशाल्लाह वो बेहतर है। ये तो है एक रानी खेत जो सर्दियों में ज़्यादा शदीद मौसम में, गर्मी में भी ऐसे ही आ जाती है, ये जरूरी नहीं सर्दी मतलब किसी वक्त भी आती है, लेकिन शदीद मौसम जो है वो ज़्यादा अटैक करते हैं। इसकी हिफाजती मैंने आपको वैक्सीन बता दी, वो करवाएँ और लोगों को बताएँ वो करें इंशाल्लाह। तो आगे करेजा होता है सर्दियों में, वो भी इसके साथ जब करेजा है तो बार दफ़ा NDH9 वो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आ जाता है, तो वो उसका भी उसकी मेडिसिन है मतलब बाज़ार से मिल जाती है आसानी से, जो पोल्ट्री के करीब आपके हैं डॉक्टर या एक्सपर्ट उनको जाके बताएं, जानवर चेक करवाएं, तो इंशाल्लाह वो दवाई देंगे आपको, मसला बनता है। तो वैक्सीन का खासकर मैं फार्मर हज़रात को कहूँगा कि वैक्सीन जो है ना उसको अगर आपने फार्मिंग करनी है, देहातों में करनी है, घरों में मुर्गियाँ रखनी है या जो भी जैसे भी जितना जितना जिसकी जिसने अपनी हैसियत से रखनी है, तो वैक्सीन ज़रूर हर महीने जो है ना वो मिल जाती है, अब तो वो लें और उसको वैक्सीन करें और करते रहें, ये उससे काफ़ी तहफ़ इसको मिले। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन आप बता रहे हैं ये पहले दिन से जो वैक्सीन होती है उसी में शामिल है? हाँ जी, उसी दिन में जो पहले दिन से वैक्सीन होती है, जैसे फार्मों में लोग लेके आते हैं तो उसको एनडी की वैक्सीन मतलब छोटा उसको बोलते हैं या NDI भी बोलते हैं, तो उसकी वैक्सीन करते हैं, तो जब वो एक दिन के कुछ कुछ चूज़े करते हैं, फिर वो 20-25 दिन के बाद करते हैं, फिर महीने के बाद करते हैं, तो ऐसे इसका प्रोसेस चलता रहता है। जब तक ये जानवर अंडे देता रहता है या आपने घर में रखा हुआ है, इसकी हर महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद इसकी वैक्सीन ज़रूर करते रहें इंशाल्लाह। जो इससे जब वैक्सीन करेंगे तो ये वायरल बीमारियों से बहुत महफूज रहेगी, और जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी एनडी की है जिससे लोग मायूस हो जाते हैं देहातों में, मैंने 20 डाली थी मेरी सारी मर गई हैं, दूसरे गांव वाला या घर वाला कहता है कि मेरी 15 थी मेरी भी मर गई, वो 7 वाला कहता है मेरी 8 थी मर गई, वो यही बीमारियां होती हैं जो जब एक ही आती हैं तो उसकी जैसे जैसे की हवा जिधर जिधर को जाती है वो अपनी लपेट में ले लेती है, क्योंकि वैक्सीन तो किसी ने की ही नहीं होती जी। तो जब लोग प्रॉपर इसकी वैक्सीन करेंगे लोग को समझ आएगी, तो इंशाल्लाह वो बीमारी से काफ़ी हद तक बेहतर साहब हमें ये बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं वैक्सीनेशन करनी है यानी शरबत देना है, ये किस तरह से आप डोज देंगे? वैक्सीनेशन शरबत नहीं होता, ये वैक्सीन एक टिक्की होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन की एक टिक्की होती है, वो बर्फ में रख के वो देंगे आपको, शीशे में बंद होती है, 100 की डोज होती है, 1000 की डोज होती है, 2000-2500 की डोज होती है, छोटी डोज भी जो लोकल वैक्सीन हम उसको बोलते हैं, जो हमारे VRI की बनी हुई है लाहौर की, बहुत बड़ी अच्छी वैक्सीन है जो सरकारी वेटरनरी हॉस्पिटल में फ्री मिलती है जी। तो वो उनको कहें वो लेके आए, वो बता देंगे आपको ये कितनी डोज है, उसको कैसे पलाना है। उसको पलाने का तरीका ये है कि उसको धूप में नहीं पलाना या धूप में रखना है, उसको जानवर को धूप में बचा के ठंडी जगह में उसको पानी पलाना है। सबसे पहले जानवर को फीड डालें, खुराक डालें, दाना डालें, जब आधा घंटा हो जाए दाना उसने जीभ भर के खा ली है, फिर उसके बाद उस पानी में डाल के उनके आगे रख दें, वो पानी पी जाएंगे, जब वो पानी पिएंगे तो वैक्सीन का जो वायरल है उनके अंदर चला जाएगा और वही इम्यूनिटी जो है ना आस्ता से उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि आई ड्रॉपिंग है, कोई ड्रॉपर लेके बाजार से खाली शीशियाँ ड्रॉपर मिल जाते हैं, उसमें डिस्टर वाटर डाल के वो वैक्सीन डाल के तो आई ड्रॉपिंग एक कतरा डाल दें आँख में, तो उससे भी वो गले में चला जाएगा और मैदे में जाएगा और उसका उसको वो जो वायरल है उसके वायरस जो है उसके अंदर चला जाएगा। तो ये उसका तरीका है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं, आसान और बेहतर तरीका है। हाँ, ये एक चीज़ मैं ज़रूर लोगों को बताऊंगा, जो हमारे अक्सर मैंने देखा है कि देहातों में या मतलब छोटे जो जिन्होंने 20-50-100 मुर्गियाँ रखी होती हैं या 5-10 रखी होती हैं, वो कहते हैं जी हमने रानी खेत की वो गोली दे दी है, वो रानी खेत की गोली होती कोई नहीं जी। रानी खेत की वैक्सीन होती है, वो फ्रीज़र में रख के वो लानी रखी होती है, वो वहाँ से निकाल के देते हैं बर्फ़ साथ डाल के, वो ठंडी जगह पर ही रहती है जी। गोलियां नहीं होती हैं, गोलियां वैसे रानी खेत के हवाले से कोई ऐसी बनाई हो किसी ने इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, ताकत के लिए, को विटामिन की, वो होती हैं, लेकिन अगर कहें कि हमने गोलियां दे दी हैं उससे रानी खेत नहीं आएगी, तो वो गोलियां नहीं काम करेंगी, वैक्सीन ही काम करेगी, जो इसका प्रॉपर इलाज है वो वैक्सीन है। तो वो इतना मुश्किल नहीं, वो मिल जाती हैं। अब तो बड़ी दौर है, अब जदीद दौर है, अब कौन सी चीज़ मिलना तो नामुमकिन ही कोई नहीं, जहाँ भी हो वो मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बड़ी सहूलत दे रही है, वो इससे करें, वो लोगों को पलानी चाहिए अगर ये काम करना है। तो व्यूअर्स, ये हम वीडियो लेके आए बीमारियों के लिहाज से, तो सर्दियों में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बीमारियां आने के जो
امکانات ہوتے ہیں وہ بتائے ہیں اور ان کا علاج بتایا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. تو ڈسکرپشن میں ہم جو ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی دیں گے اور اس کے علاوہ ہمارا جو اور دوسرا چینل ہے بزنس ٹاک سپیک کے, اس کا بھی لنک جو ہے نا آپ کو ملے گا, تو آپ اس پہ بھی وزٹ کریں, اس ہمارا دوسرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بھی مانوں گا.